चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। संभल हिंसा के जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम आज जामा मस्जिद पहुंची और 3 मेंबर्स की टीम में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस डी के अरोड़ा, यूपी के पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन और रिटायर्ड प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद हैं। टीम ने सबसे पहले हिंसा प्रभावित जामा मस्जिद के बाहर का निरीक्षण किया, फिर मस्जिद के अंदर ये टीम गई। एसपी कृष्ण विश्नोई ने टीम को ब्रीफ भी किया। वहां पर उन्होंने बताया कि 24 नवंबर के दिन किन घरों से पथराव हुआ, कहां से हिंसा की शुरुआत हुई। कमिश्नर डीआईजी और डीएम भी इस मौके पर वहां पर मौजूद रहे, तो सुरक्षा के बीच हिंसा वाली जगह का निरीक्षण करती हुई नजर आई जांच आयोग की टीम। जामा मस्जिद के बाहर और अंदर दोनों जगहों पर इस टीम ने निरीक्षण किया। हालांकि इस टीम को अभी रिपोर्ट देने में काफी लंबा वक्त है। अब देखना यह है कि जांच के बाद क्या सच सामने आ पाएगा। जो जांच आयोग जो शासन के द्वारा गठित है उसमें माननीय अध्यक्ष और माननीय सदस्य दो व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे थे। उनका जो हमें बताया गया जिस हिसाब से शेड्यूल और उसके हिसाब से हमने उसका प्रबंध किया था, उनका मूल उद्देश्य था जो जहाँ पे ये उपद्रव कारित हुआ उस पूरे एरिया का भ्रमण करना, उसको विजिट करना, और उन्होंने वैसा किया। उसके बाद उन्होंने रास्ते में जो कुछ लोग मिलना चाहते थे उनसे या बात करना चाहते थे, वो कुछ लोगों से उन्होंने बात भी की और हमसे जो सवाल पूछे हमने उसके भी जवाब दिए। उन्होंने जो घटना थी जिस जगह पे खास तौर पे सबसे ज्यादा उपद्रव हुआ था उस एरिया को भी देखा और स्ट्रक्चर का भी भ्रमण किया। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी विमल का। विमल, क्योंकि अब हम देख रहे हैं, तस्वीरें हमने देखी, जांच टीम वहां पे पहुंची मस्जिद के अंदर, मस्जिद के बाहर, दोनों जगह निरीक्षण कर रहे हैं। क्या अभी तक डिटेल, मतलब क्या आपको नजर आ रहा है, किस दिशा की तरफ ये जांच जा रही है? तो बिल्कुल देखिए, आज अगर हम जांच टीम की बात करें, जांच आयोग जो आया था उनका मेन मकसद यही था कि सबसे पहले तो मामले को समझना कि आखिर मामला क्या था, क्योंकि अभी तक जो भी चीज़ें हैं वो पुलिस प्रशासन जिस तरह से मामले की जांच कर रहा है, जो चीज़ें उनके सामने आई अभी तक जाँच में, वो चीज़ें सामने रखनी थी। लेकिन सबसे पहले जाँच आयोग को ये जानना था कि आखिर ये पूरी घटना की शुरुआत कैसे हुई, कैसे सर्वे जो एक सर्वे कोर्ट का ऑर्डर पे 19 तारीख को हुआ, उसके बाद फिर 24 तारीख को जब सर्वे हुआ और जिसकी पहले से इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ जब 19 तारीख को सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपटा, तो 24 तारीख को ऐसा क्या हुआ कि घटनाक्रम पूरा बदल गया। तो आज जब जाँच आयोग पहुँचा, ये न्यायिक जाँच आयोग, तो यहाँ पर पहले उन्होंने उन इलाकों का दौरा किया जहाँ पर हिंसा हुई, जो जगह थी हिंसा प्रभावित थी वहाँ पर, और उस रास्ते में जिन्होंने भी उनसे बात करनी चाहिए, कुछ लोगों से भी उन्होंने बात की, शायद उनसे भी यही जाना कि आखिर क्या हुआ था, उन्होंने क्या देखा, क्योंकि अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो इन सभी के बयान बेहद महत्वपूर्ण होंगे, जो आई विटनेस हैं या जो पुलिस अधिकारी ड्यूटी पर थे, जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर थे या प्रशासन के और लोग जो ड्यूटी पर थे, या फिर जो इस हिंसा के प्रभावित हैं, जिनको चोटें लगी हैं, जो घायल हैं और जिन परिवारों ने अपनों को खोया, ये तमाम लोग वो हैं जो इस पूरे मामले की कड़ियां दर कड़ियां जोड़ने में मदद करेंगे। इसके अलावा जो मस्जिद कमेटी है, क्योंकि जो जांच आयोग था वो मस्जिद में भी अंदर गया और उन्होंने वहाँ पर भी उनसे बात की, मस्जिद कमेटी के लोगों से बात की कि 24 तारीख को जब सर्वे हुआ तो किस दौरान इसकी शुरुआत हुई, अचानक से क्या हुआ, कितने लोग भीड़ इकट्ठा थी, क्या उस भीड़ को प्रायोजित किया गया था, क्या वो भीड़ वहाँ पर पहले से तय की गई थी कि इतनी भीड़ पहुँचेगी, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो जाँच में आएंगी। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि आखिर इस हिंसा के गुनाहगार कौन है, संभल को जलाने वाले कौन है इस साजिश के सूत्रधार, तो ये तमाम सवाल हैं। और साथ ही साथ ये भी सवाल हैं कि जो 4 मौतें हुई हैं, जिनको गोलियां लगी हैं, तो वो गोलियां चली कहाँ से, क्योंकि जो जिस हथियार की बात आ रही है 315 बोर, जिस गोली की बात आ रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीज़ें निकल कर आई कि चारों की मौत गोली से हुई, और जो वो 315 बोर की गोलियां हैं, तो वो 315 की बोर की गोलियां जिस हथियारों से चलती हैं वो हथियार पुलिस अमूमन इस्तेमाल नहीं करती है। हालांकि पहले से जिस तरह के आरोप पुलिस पर लगते रहे कि पुलिस की ने फायरिंग की, लेकिन पुलिस पहले ही दिन से इस बात से साफ इनकार करती रही कि उन्होंने फायरिंग नहीं की, और इसकी तस्दीक बाद में भी कई चीज़ें हुई, जो उपद्रवी थे उनके पास से उनकी कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें वो बाकायदा फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसमें कई लोग ऐसे भी उनकी भी तस्वीरें कैद हुई जिन्होंने बाकायदा पहले अपने चेहरे को कवर किया और उसके बाद वहाँ पर पथराव शुरू किया, और कुछ ऐसे भी ऑडियो वायरल हुए जिस ऑडियो में वो
तरह की बातें कर रहे हैं कि जल्दी से सामान लेकर मस्जिद पर पहुंचो, और कुछ ऐसे वीडियो भी वायरल हुए जिसमें लोग इशारा कर रहे हैं कि मस्जिद की तरफ जाने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं अब जिनके साक्ष्य जो है वो जाँच के सामने रखे जाएंगे, तमाम वीडियो उनके सामने रखे जाएंगे, क्योंकि पुलिस ने जो अभी तक जाँच की है उसमें 400 से ज़्यादा उपद्रवियों की पहचान हो चुकी है। अभी तक 31 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, और जिन 400 की पहचान की गई उनकी धरपकड़ के लिए भी पुलिस लगातार लगी हुई है। और दूसरी तरफ प्रशासन की कोशिश यही है कि हालात तो सामान्य हो गए हैं, लेकिन हालात असली तरह से सामान्य तभी माने जाएंगे जब वहाँ पर पुलिस की ज़रूरत नहीं होगी, पुलिस और प्रशासन के बंदोबस्त की ज़रूरत नहीं होगी, और आम दिनचर्या की तरह लोग चलते रहेंगे। और इस वक्त मैं अगर तस्वीरें दिखाऊं, इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूँ, यहाँ का भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसको लेकर विवाद हुआ था। ये वो जगह है जो मस्जिद के ठीक सामने वाला इलाका पड़ता है, जिसको लेकर ये बात कही गई थी कि यहाँ से धार्मिक नारे लगाए गए, जिसके बाद वो बवाल शुरू हुआ। लेकिन ये मैं आपको खुद ही तस्वीरें दिखा दूंगा कि यहाँ से कम तो 150 से 200 मीटर दूर जो है वो मस्जिद का मेन गेट है। और जो नारों की बात हो रही है, जिसको लेकर विष्णु शंकर जैन ने भी बाद में कहा कि वो तब की बात है जब वो नीचे उतर रहे थे, जब वो मस्जिद से बाहर आ चुके थे सर्वे से, और हिंसा उससे 1 से 1.5 घंटे पहले हो चुकी थी। ये संभल की सरथल चौकी का इलाका है, और इसी जगह का वो वीडियो था जो वायरल हुआ बाद में, जिसमें कहा गया कि धार्मिक नारे लगे जिसकी वजह से हिंसा हुई थी। तो ये भी साफ है कि यहाँ से मस्जिद की दूरी, शाही जामा मस्जिद की दूरी 100 से 150 मीटर, और जिससे जगह हिंसा हुई वो करीब 300 से 400 मीटर दूर है। तो ऐसे में ये चीज़ कहना आसान नहीं है कि वाकई में इस वजह से पूरा माहौल बदला। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके की अफवाहों की भी बात आ रही थी कि हौज जब खाली कराई गई, जब पानी तेज़ निकला तो अफवाहें फैली जिसकी वजह से हिंसा हुई, तो खैर ये तमाम चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी, जिसके लिए जांच आयोग आज उसके जो विजिट थी वो केवल ये जानने के लिए थी कि आखिर शुरुआत कैसे हुई और कौन सी जगह है, कौन से इलाके हैं। लेकिन अब देखना यह है कि जब बयान दर्ज होंगे सबके, आई विटनेस के, पुलिस अधिकारियों के, तो तब क्या क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं। तो ये आपसे जो बातचीत हो रही है उसमें विमल यही की पॉइंट नजर आ रहा है कि जांच टीम के लिए सबसे मेन बात तो ये कि मुख्य साजिशकर्ता कौन है, आखिरकार जो हिंसा हुई, आगजनी हुई, दंगा हुई, उसके पीछे प्लान किसने बनाया, क्योंकि दोनों तरफ से अपने अपनी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। और दूसरा, जो गोलियां चली वो गोलियां कहां से चली, पुलिस की तरफ से या भीड़ की तरफ से, यही जानना क्या जांच टीम के लिए सबसे बड़ा सवाल होगा। देखिए, जांच टीम के लिए ये जानना तो बड़ा सवाल है ही कि आखिर गोलियां कहां से चली, इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या ये प्लानिंग जिस तरह की बातें आ रही है, साजिश पहले रच ली गई थी, तो साजिश के सूत्रधार कौन है और साजिश कैसे रची गई, क्या कोई टूल किट हुई, क्या कोई ग्रुप बनाया गया, ये तमाम चीज़ें भी थी, किस तरह से मॉब को इकट्ठा किया गया। क्योंकि पुलिस ने, अगर याद हो आपको, कि पुलिस के एक स्टेटमेंट ऐसा भी है जिसमें हमने खुद उनसे पूछा था कि क्या इसमें बाहरी लोग शामिल थे, तो पुलिस का कहना था कि बहुत ज़्यादा बाहर नहीं, लेकिन 10 से 15 किलोमीटर तक के एरिया से लोग आए थे। तो ये भी अपने आप में सवाल है कि 10 से 15 किलोमीटर तक से लोग अगर आए सुबह सर्वे के टाइम, तो किस लिए उन्हें बुलाया गया और क्यों बुलाया गया, और कौन थे जिन्होंने उनको बुलाया। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस अधिकारी उस टाइम भी कह रहे थे कि ना वो कोई जो समय था, ना वो कोई नमाज का समय था कि जिससे वहां पर भीड़ इकट्ठी होती जो नमाज पढ़ने आई थी, तो ऐसे में अचानक से 2500-3000 लोग, और वो भी एक तरफ नहीं तीन तरफ से इकट्ठा हुए, तो ये तमाम चीजें हैं जो अब जांच। ठीक है, ठीक है विमल, तो ये अपडेट है कि जांच वहां पे शुरू हो गई है, और संभल में, हालांकि आम लोगों के लिए कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे वहां पर हालात जो हैं सामान्य हो रहे हैं और लोग अपनी आम जिंदगी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रिया विमल तमाम जानकारी के लिए।